तो प्रदेश समेत पूरे हरियाणा में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संगठन रमेश शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और इस रिपोर्ट पर थोड़ी नजर डालते हैं। बता दें कि प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार जैसे अपराध हर दिन देखने को मिलते हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संगठन मंत्री रमेश शर्मा ने कहा है कि अगर प्रदेश में आपकी पार्टी बनी तो प्रदेश के लोगों को भय मुक्त शासन दिया जाएगा और महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि आजकल आए दिन बलात्कार जैसे अपराध कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाते हैं, जिससे प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है। महेंद्रगढ़ में एक सीबीएसई टॉपर लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार अपराधियों को पकड़ने की बजाय युवती को चेक देकर उसे सम्मान देने की बात करती है। आज हमने आम आदमी पार्टी ने सब ने मिल के हरियाणा सरकार का ये पुतला फूका है, जिन्होंने कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो रही है, यहाँ पे लड़कियों का सम्मान नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिवाड़ी के अंदर ऐसा घिनौना अपराध हुआ है और आज सरकार उसको एक चेक देके ने उसका सम्मान वापस लौटाना चाहती है क्या? अरे उस आदमियों को सजा दिलाओ तब उसका सम्मान वापस मिलेगा, नहीं तो ऐसे किसी का वो नहीं होता। जब लड़की ने ये बता दिया कि ये आदमी है, उनकी पहचान हो ली है, तो फिर सरकार कानून व्यवस्था क्या कर रही है? कितने दिन हो गए, 3-4 दिन के लगभग हो गया, कहाँ तक वो छिपते हैं? ऐसे अपराधियों को कहाँ तक छिपना बैठता है? सरकार अगर कोई वीआईपी होता है आज तो उसको 5 मिनट में पकड़ लेती है, और कोई गरीब आदमी का देखो कितने दिनों तक हो है। ऊपर से ऐसी कानून व्यवस्था बना रखी है बिल्कुल ठप, ये है ना इनके वीआईपी जो कल्चर है इनका, उनके साथ तो पुलिस सारा दिन हरदम लगी रहती है, गरीब आदमी के लिए पुलिस नहीं है। आपके नेता के नेता रमेश शर्मा ने कहा कि अगर प्रदेश में आपकी पार्टी आई तो अपराध कम होंगे और महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। वीआईपी कल्चर होने के कारण अपराधी सरेआम घूम रहे हैं और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि सरकार को चेताने के लिए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया है।